हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। तो मैं बना रही थी हार्ट शेप का हाफ केजी केक। तो मैंने ली हूँ 2 1 1/2, मतलब 1.5 कप, जैसे जो मेजरिंग कप होते हैं उसमें 1.5 कप ली हूँ मैंने। प्रीमिक्स हाफ केजी के लिए 1.5 कप ही लेना होता है हाफ केजी के लिए से, और क्योंकि वो बन के फिर ज़्यादा ही बनता है केक बनाते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने 1.5 टीस्पून ले ली हूँ ऑयल। जितना यानी 1 कप है आपका प्रीमिक्स, तो 1 टीस्पून आपको ऑयल लगेगा। उसके बाद मुझे 1 कप जो है 1 कप जैसे पानी लगा है, बस हो गया। और इसको अच्छे से हमको 10 मिनट जैसे मिक्स करना है, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस बेस पे हमको काफ़ी देर तक इस तरीके से चला के, आप स्पून से भी कर सकते हैं, आपके पास इस तरीके से नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट, तो आप स्पून से भी इसी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो ये 10 मिनट जैसे अच्छा सा थिक पेस्ट बन जाए, सारी चीज़ें मिल जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से हो चुका था। उसके बाद नीचे मैंने इको बेक पेपर लगा दी थी ओडी का, जो कि हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता है और उसमें ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने केक टिन में हाफ के जी का, और ये मैंने केक डाल दी हूँ, और ये मैं बना रही हूँ हार्ट शेप में, क्योंकि रिंग सेरेमनी बर्थडे है। तो हार्ट शेप में मतलब हार्ट शेप में बनाने का ऑर्डर आया था, तो ये मैं इसको हार्ट शेप में बना रही हूँ। सो आप लोग को दिखाऊंगी पूरा वीडियो कि किस तरीके से मैंने बनाई हूँ, और ये मेरे ऑर्डर में आया था ये केक, तो मैं इसलिए सोचा कि आपसे रेसिपी भी शेयर करते जाऊँगी। बहुत मुश्किल होता है कि इस तरीके से रेसिपी शेयर करना वीडियो के साथ, और फिर बनाना बहुत टाइम लगता है, बट मेहनत करना तो बनता है, मतलब मेहनत तो करना ही है मुझे। तो ये देखिए, ये मैंने माइक्रोवेव में केक बनने रख दी थी। उसके बाद देखिए फाइनल लुक, केक बन के रेडी हो चुका था। इतना प्यारा मसाला केक बना था हार्ट शेप में। आप नॉर्मली देखिए तो ऐसा लग रहा है ना, इसमें क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये केक बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है ये केक, और ये बन के बिल्कुल रेडी था स्पंज। उसके बाद अब मैं इसकी लेयर कट करूँगी, आप लोग देख रहे हैं। तो ये मैं 3 लेयर में कट करूँगी, अच्छे से मुझे कट करना पड़ेगा 3 लेयर में, क्योंकि हाफ केजी मुझे ये केक बनाना है हार्ट शेप में। और मुझे हार्ट का जो पीछे का है थोड़ा सा और कट करना था, क्योंकि क्रीम लग के ये बढ़ जाएगा तो हार्ट वगैरह नहीं दिखेगा। देखिए कितने मज़े से जालीदार और कटिंग हुआ है, इतने मतलब मज़े से कट हो गया था लेयर की मुझे पता ही नहीं चला इजीली तरीके से। और मुझे ये भी खुद का भी नहीं पता चला कि मैं इतने अच्छे से मैं ये भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल से मेहनत कर रही हूँ, बट उतना मैं अपनी पहचान नहीं बना पाई थी। अब धीरे धीरे मेरी काफ़ी पहचान बन चुकी है, तो ये मुझे ऑर्डर वगैरह भी काफ़ी आने लगे, क्योंकि मेरे केक बनाने में भी फिनिशिंग वगैरह काफ़ी सारी आ गई है। आप लोग ने इससे पहले वीडियो देखी होंगे, उसमें मैंने कितने प्यारे प्यारे केक बनाई हूँ, और भी वीडियो देखिएगा आप। मैंने इस बार काफ़ी कुछ इसकी मेथड शेयर की हूँ, और जो थर्ड लेयर है वो भी हो चुकी थी, और मैं केक के ट्रे में ही बनाती हूँ, उसमें बनाने से मुझे लगता है इजी पड़ता है। उसके बाद ये मैंने व्हिप कर ली थी। उसके बाद मैंने जो गनाज बनाई थी वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मतलब और टेस्टी बनाना है। अगर आप व्हिप क्रीम में थोड़ा सा गनाज मिक्स करेंगे बना के, तो वो बहुत टेस्टी लगेगा। और गनाज बनाने का मैं आपको इससे पहले वीडियो में और भी दिखा चुकी हूँ कि कैसे बनाना है, तो बहुत इजी होता है गनाज बनाना भी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी, और उसके बाद देखिए मैंने हार्ट शेप की फर्स्ट लेयर रखी हूँ। इसमें डालूंगी सादा पानी। मैं आपको हर बार वीडियो में बताती हूँ कि शुगर सिरप बिल्कुल नहीं डालें, ऑलरेडी मीठा होता है केक, बहुत मीठा हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है केक मीठा ही खाएँ, क्योंकि आप सादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको जो कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे बड़े प्यारे मिलेंगे कि एकदम परफेक्ट मिठास थी करके। आजकल मीठा अलाउ भी नहीं है, तो सबको बड़ा मजा आएगा खाना। तो उसके बाद ये मैंने केक में डाल दी थी। उसके बाद ये इसी में स्पंज में डालूंगी, ये बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो इसी स्पंज में डालूंगी ये क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ मैं इसमें। और इससे पहले मैंने मैंगो फ्लेवर का केक बनाई थी, ये बना रही हूँ मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक, ये देखिए।
और ये मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी पूरी स्पंज में, कहीं कोई बाकी ना हो। थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ मैं कि क्योंकि जब खाएं तो उसका टेस्ट बहुत प्यारा सा आए। उसके बाद ये मैं क्रीम डाल रही हूँ, अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें चॉकलेट का गनास नहीं डाला है, वाइट ही रखा है, अंदर पूरा वाइट ही रहेगा बस। बट हमने थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए से उसमें चॉकलेट का गनाश डाल दिए। गनाश डालने से ये रहेगा कि उसमें और टेस्ट बढ़ जाएगा, सिर्फ इसलिए क्यों। और जब हम किसी को फर्स्ट टाइम देते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है उनके मुंह से बिल्कुल ना जाए और उनको लगे कि बस हम खाते रहें, इतना मजा आए। मैं क्वांटिटी चीज़ें की डालने में और प्यारा केक बनाने में चाहे कुछ भी मेहनत लगे उसमें बिल्कुल कमी नहीं करती कि जब कोई बंदा ले जाए तो वो एकदम खाते ही रह जाए और तारीफ़ों के पुल बांधते रह जाए कि क्या केक है घर के। मैं आपको बताती हूँ कि जो एनिवर्सरी वाला मैंने केक बनाई थी लाइट ग्रीन कलर का, वो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था मैंगो फ्लेवर का कि आज भी याद करते हैं कि इतना प्यारा टेस्ट है उसका, मतलब था उसका बहुत टेस्टी बनाई थी एनिवर्सरी वाला जो केक बना था, बहुत टेस्टी था। और ये भी उसी तरीके से। उसके बाद मैं चोको चिप्स डाल दे रही हूँ चॉकलेट वाली, और इसी तरीके से वाइट वाली चोको चिप्स मैं सारे केक में डालती हूँ क्योंकि ये हर कोई नहीं डालता ना, आपको बेकरी में मिलेगा, इन सब का प्राइस रहता है, आप जो भी चीज़ एक्स्ट्रा डालते हो ना प्राइस होता है। बट मैंने इनका कोई प्राइस नहीं ली हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मिले, अच्छा लगे और ऑर्डर मिले मुझे, इसी तरीके से मैं कामयाब हूँ, मेहनत करूँ, बनाते रहूँ केक, बस यही मेरी हमेशा तमन्ना और दुआ रहती है कि मैं इन सब में मेहनत करूं, अपनी पहचान बनाऊं, आगे बढ़ती जाऊं। बस मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती, मैं जी जान लगा देती हूं। और ये देखिए मेरे से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डल गया था, फिर मैंने उसको निकाली और कम की, मैंने एकदम से डायरेक्ट मतलब डालो ना ऐसे, तो बॉटल से ज़्यादा डल गया था। और इसके बाद फिर हम क्रीम और जो स्पंज उसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें टेस्ट वगैरह उतना नहीं रहता है, इसलिए हम क्रश लगाते हैं। क्रीम तो ऑलरेडी टेस्टी होता है तो उसमें क्रश लगाने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल। और ये मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और आप लोग को दिख रहा है ना बिल्कुल हार्ट शेप ही बना रही हूँ, और हार्ट शेप लग रहा है ना बिल्कुल। और इसका जो पीछे का है और कट करना था, जब इन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने जब देखे तो बोले कि लाओ नहीं तो मैं पीछे से उसका हार्ट शेप में और कट कर देता हूँ, लेकिन ये केक ऑलरेडी बन चुका था उस समय, बोले थे कि मैं इसको फिर से, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके बाद फिर से मैं फिनिशिंग दूँ, और मैंने पूरा की पूरा डिज़ाइन बना दी थी। उसके बाद ही मुझे याद आया कि इसको मतलब कट करना था, फिर उन्होंने भी बोले कि हाँ थोड़ा सा हार्ट शेप और अच्छा फाइन लुक देने के लिए कट करना जरूरी होता है। ये इस तरीके से मैंने फिनिशिंग दी। इसके बाद मैं रखूँगी फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने, उसके बाद उसमें मैं डिज़ाइन डालती हूँ। सेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं लगा रही हूँ थर्ड वाली लेयर, इसके सामने का जो है टूट गया था, तो ये इस तरीके से मैं वहाँ जोड़ के, और ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा बड़ा सा हाफ केजी का, बट ये जब हम नापते हैं ना तो हाफ केजी से काफ़ी ज़्यादा ग्राम में निकल जाता, काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। और ये मैं सादा पानी डाल रही हूँ, जो स्ट्रॉबेरी का मैंने क्रश निकाली थी वही स्पून पानी में डल गया, तो वो पानी रेड हो गया, तो आप लोग ये मत सोचिए रेड पानी कैसे डाल रही हूँ, वो क्रश का चम्मच था और वो पानी सादे पानी में मिक्स हो गया, मैंने कि इसी में तो डालना है, तो मैंने कर दी थी कि कहाँ रखूँ, मीठा है फिर चीटियाँ वगैरह होती, तो मैंने उसी में वो स्पून डाल दी थी। और अब इसमें हम लोग ऊपर क्रीम लगा के इसको फाइनल लुक देंगे, प्यारा सा देंगे। इसमें भी मैंने डाल दी थी टेस्ट, क्योंकि हम जब ऊपर की भी खाएं तो हमको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के टेस्ट आए, तो कोशिश करती हूँ मैं कॉर्नर में अच्छे से ये क्रश वगैरह लगाने का, क्योंकि कॉर्नर में हम नहीं लगा पाते और बीचों बीच बस करते रहते हैं काम उसमें केक में, तो बस इसमें भी काफ़ी मेहनत लगी, मेहनत टाइम सब चीज़ें बहुत लगता है उसमें, साथ ही साथ मुझे घर का पूरा देखना पड़ता है, बच्चों को, उसके बाद बच्चों को स्टडी वगैरह भी करानी पड़ती है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं मुझे, उसके बाद एडिटिंग भी करना होता है, तो मतलब मैं फ्री रह नहीं पाती हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन मेरा फ्री रहता है, अब मुझे लगता है क्या करूँ, बोर लग रहा है, मैं फ्री कैसे बैठी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा नहीं लगता,
बिजी रहना ठीक है थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रहती, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रहती हूँ, मेरे लिए वक्त नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों कर रही हैं, बिजी रहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी दिन बहुत फ्री रहती हूँ मैं, और मेरी आदत है फास्ट काम करने की, तो कोई भी चीज़ एकदम फास्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। केक भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। और इसमें मैंने ऊपर क्रीम में चोको चिप्स भी मिक्स कर दी थी, और कि क्रंची लुक, मतलब क्रंची टेस्ट आए हर बार, और खाने में तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा टेस्टी होगा ये केक, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि जो भी कस्टमर ले जाते हैं उसके बाद ज़रूर रिव्यू के लिए फ़ोन करते हैं और बताते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी था आपका केक, सभी लोग को खा के बहुत मज़ा आया, और नेक्स्ट टाइम हमेशा हम आपको देंगे। तो मैं बना रही थी हैशटैग, बना के आप लोग को दिखा रही थी कि हैशटैग बहुत प्यारा केक बना है। लगता है मुझे थोड़ा कॉमेडी भी कर लेना चाहिए केक बनाते बनाते। आप भी मेरी वॉइस सुन सुन के कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो मैं सोची कि साथ ही साथ कॉमेडी भी करते जाऊं। सो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।